हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले वेनिला टूटी फ्रूटी कपकेक। इस तरह से हम वेनिला फ्लेवर की टूटी फ्रूटी कपकेक बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में भी एकदम आसानी से बन जाते हैं। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, फटाक से बन करके तैयार होगा। तो देखिए, हमने एक कप इस तरह से एक कप मैदा से हमने टोटल ये 5 कपकेक बना करके तैयार किए हैं। बहुत ही इजी तरीके से फटाफट से बन भी जाता है। बच्चों से लेके बड़ों तक को केक तो सबकी फेवरेट होती है, मेरी खुद की भी फेवरेट है। इनफैक्ट मेरे बच्चे लोग को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये ज़रूर इस तरह से बनाई। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको इस तरह से एक कपकेक दिखा रही हूँ। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, तो सोचिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट कपकेक हमारा देखिए बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए टेस्टी टेस्टी हम ये कपकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, साइड में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये वेनिला टूटी फ्रूटी कपकेक बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह का मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें लेंगे 1/4 कप ये बटर है। इसको इस तरह से मैंने मेल्ट कर लिया बटर को। अब बटर की जगह में घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसी में डालूंगी 1/4 कप ये, सॉरी फ्रेंड्स 1/3 कप ये मिल्क मेड है, कंडेंस मिल्क है ये, इसको हम डाल लेते हैं। अब इस तरह से हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस तरह से कंडेंस मिल्क की जगह में आप चाहें तो इस तरह से शुगर के पाउडर भी डाल सकते हैं। बस पहले हम अच्छे से इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अब हम इस तरह का एक स्ट्रेनर लगा लेते हैं और इसमें डालूंगी ये 1 कप ये मैदा है। इसी के साथ डालूंगी 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है ये। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से छान लेते हैं। इस तरह से हम ये छान के लेंगे तो ये काफ़ी लाइट हो जाता है। तो ये देखिए इसको हमने छान लिया, अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं इसमें दूध भी ऐड करूँगी, मैं अभी इसी स्टेज में दूध भी ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो ये हमने 1/2 कप मिल्क लिए, तुम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जितनी हमें इसमें ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें ऐड करेंगे। एकदम हल्के हाथ से इसको अच्छे से ही मिक्स करेंगे, जैसे कट एंड फोल्ड मिक्स करते हैं बिल्कुल एकदम, और एक ही डायरेक्शन में ही इसको हमें मिक्स करना है। तो भी ये गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। तो हमें इसके लिए 1/2 कप से ही ऊपर मिल्क लगा है। मैं आपको बताऊँगी इतने के लिए कितना हमें मिल्क लगा है। बस पहले हम अच्छे से धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, बिल्कुल बैटर हमें इसी तरह से ही चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा ये वेनिला एसेंस डाल देते हैं और थोड़े से ये टूटी फ्रूटी, कलरफुल टूटी फ्रूटी है, और थोड़े से हम ये बचा करके रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। बस ये रेडी है, अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज हम ये कपकेक को इस तरह से कपकेक के मोल्ड में बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप इस तरह का डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हैं, या इस तरह का हो तो आप इसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये भी नहीं है तो भी मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, ये घर की कटोरी है आप उसको ले सकते हैं, उस पर आप बना सकते हैं। अब मैं इसको इसमें बनाने वाली, तो मैं इसको बस इस तरह से डालूंगी। इसको हमें कुछ भी ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम आधा ही इस तरह से डालेंगे बस अच्छे से। फिर मैं इसको टैप करूँगी, पहले हम पूरे डाल लेते हैं फिर इसको टैप करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये हमारे टोटल 5 में बन करके तैयार हुए। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से टूटी फ्रूटी से गार्निश कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने टूटी फ्रूटी में हल्का सा ये मैदा डाल के ऊपर से इसको कर ली, ताकि अंदर से बैठे ना, बस हल्का हल्का ही हम डालेंगे। तो ये देखिए हमने सब में डाल दिया। अब चलते हैं इसको बेक करने। तो आज मैं इसको गैस में बेक करूँगी, आप इसको चाहें तो माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। इस तरह से प्रीहीट करके 180 डिग्री में प्रीहीट करिए और ये 15 मिनट्स के लिए इसको टाइमर सेट कर दीजिए, बेक हो जाएगा। मैं इसको गैस में बेक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने कढ़ाई चढ़ा लिए थे, इसमें मैंने एक स्टैंड लगा लिए हैं और इस तरह से मैंने एक प्लेट रख लिए हैं। तो मैं आज इसको कढ़ाई में ही इस तरह से बेक करूँगी, ताकि सबके लिए ईजी हो जाए। माइक्रोवेव तो सबके पास होते नहीं है, तो बस हम इस तरह से सारे केक ये डाल देते हैं। तो मैं इसको 2 बर्तन में रख के इसको बेक करूँगी, तो एक में ये पूरे आएंगे नहीं,
तो बस इसको मैं कवर कर देती हूँ। इस तरह से मैं कवर कर दिया और मैंने इस तरह से ढक्कन में ये एक पेपर लगा लिया कागज, ताकि इसमें एयर ऊपर ना आए। या आप चाहे तो कोई भी इस तरह से फुल कवर वाला बर्तन ले सकते हैं, उसे कवर कर दीजिए। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। हम इसको इस तरह से खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा केक बेक हुआ है, एकदम सॉफ्ट भी हमारा बन करके तैयार हुआ है। अभी काफ़ी गर्म है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे सारे कपकेक बन करके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिए थे, बट आपको ध्यान रखना है जब आप इसको डालें ना, तो आधा से थोड़ा सा कम ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप देखिए, एक कप मैदा से ये हमारे टोटल 5 कपकेक बन करके तैयार है। थोड़ा सा ये देखिए ऊपर भी आ गए हैं, बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एकदम झटपट से बनने वाला, बहुत ही सॉफ्ट। और अभी ये हल्का सा गर्म है, पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। 1 कप केक आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालेंगे तो ये आपका टोटल 6 कप केक बन जाएगा। 1 कप मैदा से एकदम इजी तरीके से बनने वाला हमारा सॉफ्ट कप केक बन करके तैयार हो गया। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों। वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।